हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के फोन में उनको कॉल लॉग्स शो नहीं होते हैं, उनके रीसेंट कॉल जो भी आए हैं वो शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से शो नहीं होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और मेरे एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं कंडीशंस की बात कर लेता हूँ। पहले तो आप चले जाइए अपने फोन की सेटिंग्स में। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है आप ध्यान से सुनिए। एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या आप गलत कोई सेटिंग कर देते हैं, ये दो प्रॉब्लम होती है। तो अगर देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपने बहुत वक्त से अपना सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट किया है, तो सेटिंग्स में आकर यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड अपडेट मैन्युअली या लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर चेक होगी, आपको अपडेट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपकी अपडेट यहाँ पर देखिए लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल्ड है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपडेट, ये अप टू डेट है। तो ये हो गया एक बात, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमें अपने एप्लीकेशन मैनेजर यानी एप्स में आ जाना है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रख लेना, सबसे पहले हमें अपने यहाँ पर कॉल्स की जो एप्लीकेशन होती है यहाँ पर ढूंढ लेना है, तो यहाँ पर वो नहीं मिलती है। हमें यहाँ पर थ्री लाइन्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें डिफॉल्ट ऐप या शो सिस्टम ऐप्स में यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर कॉल लॉग्स एंड बैकअप रिस्टोर मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको इसे फोर स्टॉप कर देना है एक बार और एक बार यहाँ पे डिसेबल करना है और वापस से इसे कर लेना है इनेबल। और यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखेगा, स्टोरेज में आ जाना है, कर लेना है यहाँ से क्लियर कैचे और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है बैक। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे परमिशन, तो यहाँ पर परमिशन रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मांग ही नहीं रहा है तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप कॉल प्लस देख पाएंगे, इसको आपको क्लिक कर लेना है और सेम प्रोसेस उसी तरीके से यहाँ पे फोर स्टॉप कर देना है और यहाँ पर परमिशन नो रिक्वायर्ड है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बहुत से लोगों की, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।